विश्वास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, ये है कृषि दर्शन। आज हम आपको बताएंगे वनस्थली क्षेत्र के बंटी मीना की सफलता की कहानी, जिन्होंने कृषि और पशुपालन क्षेत्र में और विशेषकर मुर्गी पालन क्षेत्र में एक नई नवीन मशीन का नवाचार किया। क्या है ये मशीन, किस तरह से ये कार्य करती है, कैसे उन्होंने इसका आविष्कार किया, बताएंगे आपको, मिलवाएंगे उनसे और जानेंगे उनकी सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। किसान भाइयों, मैंने ये एक इनक्यूबेटर बनाया है जो बिल्कुल लो कॉस्ट इनक्यूबेटर है, और ये इनक्यूबेटर बनाने का पर्पज था कि मेरा जो किसान भाई छोटे स्तर पर अपना मुर्गी पालन करते हैं और वो जो चूजे मंगवाते हैं बाहर से, तो वो अधिकतर बाहर चूजे मिक्स के आते हैं, जैसे देसी के मंगाए तो देसी नहीं मिक्स के आएंगे, तो उन्हें ये दिक्कत का सामना रहा, वो बिक नहीं पाते, तो वो इस इनक्यूबेटर से अपनी खुद की मुर्गियों के अंडे लेके और अब चूजे निकलवा सकते हैं। और ये इनक्यूबेटर की जो कॉस्ट आई है वो जो मतलब बना ही है तो ये 2100 रुपये में मात्र ही तैयार हो गया है। और इनक्यूबेटर ये 80 अंडों की कैपेसिटी का इनक्यूबेटर है जिसमें मेरे को रिजल्ट मिला है, करीबन 85% मेरे को रिजल्ट मिला है इस इनक्यूबेटर से। और सर, ये जो इनक्यूबेटर बनाने का मेरा जो सामान लगा है इसके अंदर, वो सर एक एडेप्टर है जो मैंने खुद तैयार किया है, और एक ये थर्मोस्टेप होता है, और अंदर दो बल्ब लगे होते हैं जो 25-25 वाट के हैं, एक फ़ैन है डीसी 12 वोल्टेज, और अंदर एक लकड़ी का फ्रेम बना होता है, जाली है, और दो पानी के टप होते हैं जिसमें पानी रख के ह्यूमिडिटी सेट किया जाता है, और एक रूम ह्यूमिडिटी टेम्परेचर डिस्प्ले है इसकी मदद से, और एक ये आइस बॉक्स है, इनकी मदद से मैंने ये इनक्यूबेटर तैयार किया है। और ये इनक्यूबेटर बनाने के पीछे जो मकसद है कि जैसे जो किसान देसी तरीके से जैसे मुर्गी से बच्चे निकलवाता था, वो करीबन 2.5 महीने में वो मुर्गी अपने बच्चे छोड़ अपने साथ मतलब रख के छोड़ती थी, तो वो उन्हें लॉस होता था, करीबन 30 या 40 अंडों का लॉस होता था। और जहाँ इन अंडों की कीमत 20 रुपये प्रति अंडे की से बिकते थे, तो वहाँ करीबन 600 से लेकर 800 रुपये का नुकसान था। ये और जब ये इनक्यूबेटर तैयार है या ले ले कोई किसान, तो वो इसकी मदद से वो 800 रुपये की बचत करके अपने मुनाफा ले सकता है, और इसकी मदद से वो अपनी मुर्गियों के अंडे से ही ये बच्चे चूजे निकलवा के अपने फार्म को बढ़ा सकता है। और जो जो इनक्यूबेटर इसका टेम्परेचर होता है वो 37.5 रहता है, और एक 11 सेकंड इसकी जो लाइट है वो जलेगी, और करीबन 21 सेकंड इसकी लाइट बंद रहेगी। तो इससे ये है कि एक लगभग मैंने ये निकाला है कि जब 24 घंटे में ये करीबन 11 घंटे ही ऑन रहेगा और करीबन 13 घंटे ये बंद रहेगा, तो इससे किसान भाई को लाइट का खर्चा भी इतना नहीं आ पाएगा। और जो इसका टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिक कंट्रोल होगा ये थर्मोस्टेट से, 37.5 और 37 पे बंद होगा, चालू होगा 37.5 पे बंद होगा। और जो चूजे हैं वो बनने की प्रक्रिया, जब 2 दिन तक इसके अंदर जब अंडे रख देंगे तो 2 दिन तक अपने को उनको हिलाना नहीं है, दो दिन बाद उनको जब तीसरा दिन हो जाए तो उसको 3 घंटे 4 घंटे में उन्हें रोटेशन करना होगा अंडे को, जो इनको चाहे डिब्बे को खोल के आप कर सकते हो रोटेशन। और जैसे जैसे प्रोसेस जब 18 दिन पूरे हो जाए इसी तरीके से, तब इन अंडों को जो लकड़ी का फ्रेम जाली है इनसे निकाल के नीचे रख दीजिए, उसके बाद उन्हें छोड़ दीजिए, ना तो हिलाना ना कुछ, और अपने हाथ से कुछ ये करना है। तो जब चूजे निकलेंगे तभी अपने को कोई, जब चूजे 21वें दिन कम्प्लीट निकल जाए तो उनको निकलने के बाद उनको एक ब्रूडिंग में ले लीजिए, ताकि वहाँ 100 जो यहाँ 25-25 वाट के जो टेम्परेचर मेंटेन करें वहाँ 100 वाट का बल्ब चलेगा, जिससे वो पूरी जगह का अपने जैसे 5x5 का एक गत्ते का बॉक्स बना, बॉक्स की गोलाई करके उसका एक लेके रूम में जैसे चूजे रखे, तो वहाँ पे उन्हें ब्रूडिंग करेंगे।
तो ब्रूडिंग के लिए वहाँ पे 100 वाट का बल्ब जला के टेम्परेचर मेंटेन कर लीजिए। वहाँ पे जो डिस्प्ले है, ये रूम ह्यूमिडिटी डिस्प्ले है, इसको उसमें लगा दीजिए ताकि वहाँ का ह्यूमिडिटी बताता रहे, जब थर्मोस्टेट की वहाँ ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इस तरीके से ये इनक्यूबेटर से चूजे निकाल के किसान अपना फार्म को बढ़ा सकता है और अपने जो बिजनेस है, जो भी फार्म करेंगे उनमें मुनाफा ले सकता है। और जब मैंने इनक्यूबेटर बनाया तो मैंने बनाने के बाद मेरे को मालूम नहीं कि इनक्यूबेटर का मेरे लिए बनाया, लेकिन जो केवी जो टोंक से जो केवी के हैं यहाँ पे सर डॉक्टर डीवी सिंह जी ने मेरे को बताया कि ये आप ले रहे हो तो और किसानों को मिलना, मैंने कहा सर सबको मिलना चाहिए, तो उन्होंने मेरे को यहाँ आने का मौका दिया और सभी के सामने जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया उसको मैंने सभी के सामने दिखाने का एक मौका दिया मेरे को, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और मेरे को उन्होंने आगे बढ़ने का प्रोत्साहन भी उन्होंने दिया है और मैं जैसे जैसे ये करूँगा तो उनके सानिध्य में रहकर ये प्रोजेक्ट को और बढ़ाने करूँगा और मेरे जो किसान दोस्त हैं उनको मैं ये प्रोजेक्ट प्रोवाइड करवाने की भी ये प्रक्रिया चालू कर रहा हूँ, तो वो भी करूँगा सर उन किसान दोस्तों के लिए। धन्यवाद। जो हमारे प्रगतिशील जो किसान युवा हैं शंकर मीणा, इन्होंने जो इंक्यूबेटर हाउस बनाया है इसकी 3-4 मुख्य विशेषताएं उनको मैं बताना चाहता हूं। एक तो ये है कि ये बहुत पोर्टेबल है, कहीं भी आप इसको ले जा सकते हो। दूसरा क्या है कि इससे लार्ज स्केल पे आप हिचिंग कर सकते हो और जो आपको ब्रीड मिलेगा वो प्योर मिलेगा, तो वो उसकी क्वालिटी है। साथ ही इसकी जो हैचेबिलिटी है उसमें 10-15% की कमी आएगी, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही ये जब बाज़ार में मिलता है तो 1.5 से 2 लाख रुपए में मिलता है। ये बच्चे ने केवल 2000 रुपए में ये तैयार किया है, जिससे लो कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा हैचिंग करके वो जो अंडे हैं अंडे की जगह अंडे को न बेच करके वो ये बच्चे को बेचेगा और अपनी यूनिट को कैसे बढ़ाएगा। साथ ही जो आसपास के जो किसान हैं जो युवा बच्चे हैं वो इसी टाइप के जो मॉडल है उसको तैयार करके ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इनकम कर सकते हैं। अभी जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 91वां स्थापना दिवस था नई दिल्ली में, वहाँ पर प्रदर्शनी थी और जो नवाचार जो किसान हैं उनको बुलाया गया था, तो शंकर मीणा जी ने वहाँ पर अपने इस मॉडल को रखा। माननीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, भारतीय अनुसंधान परिषद के डायरेक्टर एंड जनरल ने डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा जी ने इसको देखा, बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट किया है कि इस टाइप का मॉडल और आगे बढ़ना चाहिए, किसानों को फायदा मिलना चाहिए। निश्चित ही इस मॉडल के माध्यम से किसान भाई और जो युवा हैं वो इससे फायदा ले सकते हैं और अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं।